नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे घर पर गाय की मूर्ति रखने के फ़ायदों के बारे में। इससे पहले हमने आपसे ऊंट की मूर्ति, हाथी की मूर्ति, घोड़े की तस्वीर, कछुआ, बांसुरी और शंख को घर में रखने के फ़ायदों के बारे में बताया है। इन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। वास्तुशास्त्र फेंगशुई में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे घर और दुकान पर रखना शुभ माना जाता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए गाय को शुभ माना गया है। फेंगशुई में गाय का महत्व उतना ही है जितना हिंदू धर्म संस्कृति में है। योग्य संतान प्राप्ति के लिए फेंगशुई गाय। वास्तुशास्त्र फेंगशुई के अनुसार परिवार में सौभाग्य को बढ़ाने के लिए गाय रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अपने बछड़े को दूध पिला रही गाय के प्रतीक रूप को घर में स्थापित करने से न सिर्फ योग्य संतान की प्राप्ति होती है बल्कि ऐसे संतान को कभी धन का अभाव नहीं होता है। मानसिक शांति के लिए फेंगशुई गाय। गाय की मूर्ति को घर पर रखने से व्यक्ति को अपने कठिन दौर में जूझने से शक्ति मिलती है। घर पर गाय की मूर्ति को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इसके अलावा पढ़ाई में एकाग्रता के लिए छात्रों के स्टडी टेबल पर रखना चाहिए। ये थी जानकारी कि कैसे घर पर गाय की मूर्ति रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।